नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रौनक रामाणी और आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैमरा क्या होता है और कैमरा काम कैसे करता है। कैमरा कैसे काम करता है जानने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी आंखें कैसे काम करती है। जब किसी वस्तु पर लाइट के रेस टकराते और वो रेस टकरा कर हमारी आँखों तक आते, तब हमारा माइंड एक इमेज को क्रिएट करता है। ठीक इसी तरह से कैमरा भी काम करता है। जब किसी वस्तु पर लाइट टकरा कर लेंस के थ्रू इमेज सेंसर पर जाती है, तब कैमरा एक इमेज को क्रिएट करता है। दोस्तों, कैमरा बहुत टाइप के होता है, जैसे कि SLR, DSLR और मिररलेस। SLR यानी कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, DSLR यानी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स और मिररलेस। SLR और DSLR में एक कॉमन चीज़ होती है, वो होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स यानी कि एक बॉडी में आप एक ही लेंस यूज़ कर सकते हो। आजकल तो फ़ोन में 2 कैमरा, 3 कैमरा, कई कई फ़ोन में तो 4-4 कैमरा भी आ गए। पता नहीं ये कैसे काम करता है टेक्निकली दोस्तों, लेकिन प्रोफेशनल कैमरा में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक बॉडी के अंदर एक ही लेंस यूज़ होता है। अगर अब हम बात करें SLR कैमरा कैसे काम करता है, तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं होता था, इसमें होता था नेगेटिव फिल्म्स। और नेगेटिव फिल्म्स कुछ इस तरह से दिखती थी। जब इस पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता था, तब इसका कुछ हिस्सा डार्क हो जाता था और ये हिस्सा डार्क हो जाता था। इसको केमिकल रिएक्शन से हम प्रिंट निकाल सकते थे। अब बात करें DSLR की, तो DSLR में क्या होता है, लाइट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पर आती है और एक इमेज को क्रिएट करती है। मिररलेस कैमरा जो होता है उसमें मिरर नहीं होता, इसलिए इसका नाम मिररलेस है। दोस्तों, इसका जो मिरर होता है, जो शटर होता है, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक होता है। मिररलेस कैमरा, SLR कैमरा और DSLR कैमरा के बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा और उसमें ज़्यादा डीप में नॉलेज होगा। दोस्तों, आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।